नाउ गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, गांधीयन फिलॉसफी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट. ऑल दो मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया था, शायद आप लोगों ने सुना होगा. गांधीयन फिलॉसफी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, गांधी जी ने क्या बताया हमारे देश को आज़ाद होने के पहले. बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे, जब आप अगर इवन फ्यूचर में सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का पेपर देंगे, ओवरऑल हमारे इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन शिक्षा जगत में गांधी जी का कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और उनके मार्गदर्शन के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है. फादर ऑफ नेशन कहा जाता है. उन्होंने आज़ादी के पहले हमें ये बता दिया था कि अगर इंडिया को प्रॉस्पेरिटी हासिल करनी है तो प्रॉस्पेरिटी हासिल करने का दो तरीका हो सकता है. एक तरीका कैपिटलाइजेशन, मतलब उसमें बड़े बड़े उद्योगपति हों और वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करें और वो बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करें और बाकी सब लोग उनके लिए काम करें. दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकॉनमी. तो गांधी जी ने और पंडित नेहरू ने उस समय सोशलिज्म को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दिया था, जिन्होंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कही थी. क्योंकि उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय कैपिटल थी ही नहीं देश में, सारी की सारी कैपिटल, सारा पैसा पहले अंग्रेज लूट के लेके गए थे. तो उस समय हमारे देश में ज़्यादा कैपिटल थी नहीं, तो पंडित नेहरू की भी मजबूरी थी और गांधी जी तब तक नहीं थे जब उन्होंने देश के प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनके पास प्रॉब्लम ये था कि उनके पास कैपिटल थी नहीं, जो कुछ करना था गवर्नमेंट को करना था. तो गवर्नमेंट ने उस समय देश को सोशलिस्ट फॉर्म में चलाना शुरू किया और इन्वेस्टमेंट खुद गवर्नमेंट ने करे. आपने देखा होगा इस समय बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इनको हम लोग नवरत्न या महारत्न या मिनी रत्न कंपनियों के नाम से जानते हैं, जैसे ONGC, गेल, भेल, NTPC, ये सारी की सारी बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं, कोल इंडिया, कॉनकॉर, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. तो ये सारी की सारी कंपनियाँ वो कंपनियाँ हैं जिसमें गवर्नमेंट ने आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले इन्वेस्टमेंट किए थे, स्टार्ट करा था उनको और वो बाद में चल के बहुत प्रॉफिटेबल भी हुई, उन लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट भी दिया. साथ ही साथ एक फ़ायदा और हुआ, तो जब उन सारी कंपनियों ने परफॉर्मेंस दी तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, हमारे देश में लोगों को चीज़ें भी मिली, प्रोडक्ट और सर्विसेज उनने बना के दी और साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला. और महात्मा गांधी ने आज़ादी के पहले ये कहा था कि अगर देश को आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हासिल करनी है तो गवर्नमेंट अकेले ये काम नहीं कर सकती है, इसका राज छुपा हुआ है टाइनी इंडस्ट्रीज़ में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, जिसको कहते हैं लघु उद्योग, कुटीर उद्योग. गांव-गांव में छोटे छोटे उद्योग धंधे जब लगाए जाएंगे, जब लोग छोटे छोटे रोजगार करेंगे, यानी एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे थे बेसिकली. वो वर्ड उतना उस समय उतना पॉपुलर नहीं था या लोग उसके बारे में जानते ही नहीं थे. अभी 20-25 साल पहले ये वर्ड ज़्यादा कॉमन हुआ है. तो उस समय बेसिकली वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे थे और एंटरप्रेन्योरशिप की हेल्प से ही उनको पता था देश तरक्की कर सकता है, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, यही देश की प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इसीलिए उन्होंने कहा था कि आप जो भी काम करते हैं खुद ही अपने आप करिए, मतलब आप अंग्रेजों से कपड़े मत खरीदो, अपने घर पर चरखा चलाओ, उससे कपड़े बनाओ, आप अपने डे टू डे के इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ें हैं वो आप अपने घर पर बनाइए, हैंडक्राफ्ट का इस्तेमाल करिए, चीज़ों को वेस्ट मत करिए. इवन उनके पास से कोई लेटर आता था तो क्या करते थे, उस लेटर का लिफाफा इस तरह से खोलते थे कि वो फटे ना और उसको वापस रीयूज़ कर लेते थे, फिर किसी और को लेटर उसमें लिख के भेज देते थे, मतलब लिफाफा भी बर्बाद नहीं करते थे. तो क्योंकि उस समय नीड ऑफ द आवर थी, वो बहुत ज़्यादा गरीबी थी और उस समय लोगों को सेविंग्स के बारे में बताने की ज़रूरत थी. फिर गांधीयन फिलॉसफी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट जो हम लोग एक्चुअल पढ़ने जा रहे हैं उसमें गांधी जी ने क्या कहा है, उसमें गांधी जी ने ये कहा है कि जो बड़े उद्योगपति हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रखी हैं, बहुत पैसे कमा रखे हैं, वो अपने आप को उस संपत्ति का, उस बिजनेस का मालिक ना समझें. वो ये मान के चलें कि ये सारी की सारी संपत्ति समाज की है, उन्होंने समाज से पैसा कमाया है, यानी देश में उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, देश से, सोसाइटी से उनको लेबर मिला, सोसाइटी से उनको रॉ मटेरियल मिला,
और उसका जो वेस्ट निकल रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है, जो धुआं निकल रहा है, जो गंदा पानी निकल रहा है, वो भी सोसाइटी में ही जा रहा है। तो ओवरऑल ये सब कुछ वेल्थ आपको सोसाइटी ने क्रिएट करके दी है, तो आप अपने आप को ट्रस्टी मानिए इसका, आप इसको ओनर ना मानिए, मालिक मत मानिए अपना उस बिजनेस का, उस संपत्ति का जो आपने अर्जित करी है। जैसे अंबानी अडानी की बात हो रही है, बिरला की बात हो रही है, टाटा तो ऑलरेडी यही इसी कंसेप्ट पे काम करता है। तो इनसे ये जो बड़े बहुत अमीर उद्योगपति हैं, उनके लिए गांधी जी का ये मैसेज था कि आप अपने आप को ये ना माने कि ये $100 बिलियन आपके हैं, आप वर्ल्ड के फोर्थ रिचेस्ट पर्सन बन गए, थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए। आप ये मान के चले कि ये संपत्ति की आप ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी, ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट किसी भी संपत्ति का रख रखाव करता है, और मालिकाना हक हमेशा मेंबर्स का होता है। जैसे म्यूचुअल फंड के एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि जो म्यूचुअल फंड कंपनियाँ होती हैं, बेसिकली वो कंपनियाँ नहीं होती हैं, ट्रस्ट होता है। और इसीलिए दुनिया में बहुत सारे बैंक्स बैंकरप्ट हुए हैं, लेकिन कभी भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी बैंकरप्ट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एसेट है ही नहीं। म्यूचुअल फंड करता क्या है? आप लोगों से पैसा लेता है, उसको एक पूल में इकट्ठा करता है और उसको मैनेज करता है, उसको इन्वेस्ट करता है, उससे रिटर्न बनता है तो आपको वापस करता है, लॉस होता है तो आपका लॉस होता है। वो खाली मैनेज करने की फीस लेता है, इसलिए कभी भी कोई म्यूचुअल फंड डिफॉल्ट नहीं करता। बैंक जरूर डिफॉल्ट कर जाते हैं क्योंकि बैंक एक कंपनी है, लेकिन म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है। तो जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, जैसे कॉलेज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वो भी ट्रस्ट पे बनाए जाते हैं। उस ट्रस्ट का काम क्या होता है? उस संपत्ति की देख रेख करना, मैनेज करना उसको। जो ट्रस्टी होते हैं वो उसके मालिक नहीं होते हैं, संपत्ति सोसाइटी की होती है, समाज की होती है, वो खाली उसको रन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने यही बताया है, गांधीयन फिलॉसफी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट यही है कि जो संपत्ति आपने अर्जित करी है, जो आपने कमाई है, वो समाज की संपत्ति है, आपको समाज को देना है आपको, लेकिन अपनी एक फीस लेनी है। मतलब आप अपनी सैलरी, आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, आप उस संपत्ति से, ऐसा नहीं कि सब कुछ वापस कर देना है। आप अपने आप के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च कर सकते हैं, खाने में, पहनने में, घूमने में, फिरने में, अपने आप को, लाइफ को एंजॉय करने में, लेकिन एथिकल तरीके से, माल्या की तरीके से नहीं करना है, रतन टाटा की तरह करना है। तो टाटा जो है बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ गांधी जी ने क्या बताया, कंसेप्ट ऑफ सत्य एंड अहिंसा। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, उनको हमेशा एथिक्स को फॉलो करना है, सत्य को फॉलो करना है, यानी एथिक्स को फॉलो करना है। और अहिंसा का मतलब ये कि किसी तरह से अपने एम्प्लॉई को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, किसी तरह से कोई ऐसा हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं बनाना है जिससे समाज में कोई एडवर्स इम्पैक्ट आए। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी बैंक को चीट नहीं करना है, किसी लेंडर, मनी लेंडर को चीट नहीं करना है, आपको सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना है। उसका मतलब है अहिंसा। मतलब आप खराब प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, लोगों को नुकसान हो रहा है, उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, वो भी हिंसा है, एक तरह की काइंड ऑफ हिंसा है। ठीक है, अगर आपको पता है कि मेरे इस प्रोडक्ट में ये केमिकल है, इस केमिकल से लोगों को नुकसान हो सकता है, और आप उसको रोक नहीं रहे हैं, आप लगातार उसको बेच रहे हैं, तो वो भी काइंड ऑफ हिंसा ही हुई है। तो यानी कि वो ये कहते हैं कि आपको इस तरह का कोई भी काम नहीं करना है। ट्रस्टीशिप के बारे में मैंने अभी आपको जैसे बताया कि ट्रस्टीशिप इज अ सोशल इकोनॉमिक फिलॉसफी डेवलप बाई महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ हिज नॉन वायलेंस रिवोल्यूशन। इट इज़ अ कंसेप्ट वेयर अ पर्सन वॉलंटरी गिव अप और रिनाउंस हिज राइट ऑन द मनी अर्न बाई हिम एंड डेडिकेटेड इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब ये कह रहे हैं कि ट्रस्टीशिप सोशल इकोनॉमिक फिलॉसफी है जिसको महात्मा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया है, या उसको और ज़्यादा उसके ऊपर इन्फेसिस दिया है, जिसमें क्या होता है कि जो बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो अपनी संपत्ति को ये मान के चलते हैं कि ये संपत्ति जो मैंने अर्जित करी है समाज से ली है और समाज के हित में ही खर्च करनी है। तो दिस इज कॉल्ड फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टीशिप। की प्रैक्टिसेस क्या हैं ट्रस्टीशिप की? फेयर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए, कंप्लायंस को फॉलो करना चाहिए। म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेके बताते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है, बाकी सारी जितनी भी ज़्यादातर कंपनियां हैं वो कॉरपोरेट हैं, कंपनियां हैं, तो वो वहाँ पर ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो म्यूचुअल फंड क्योंकि एक ट्रस्ट होता है इसलिए हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, डेली के डेली आपको NAV बताएगा, कितना आपका पैसा हो गया, कितना घटा, कितना बढ़ा, जो घटेगा तो भी बता देगा, बढ़ेगा तो भी बता देगा।
हमारे पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कितना पैसा हमने कहाँ लगा रखा है, पूरी तरह से कम्युनिकेट करता है, हर एक चीज़ कम्युनिकेट करता है अपने सारे स्टेक होल्डर्स को। ऐसा नहीं है कि खाली इन्वेस्टर को ही करता है, बैंकर्स को भी कम्युनिकेट करेगा, गवर्नमेंट को भी कम्युनिकेट करेगा, रेगुलेटर्स जो सेबी हैं, आरबीआई है, उनको भी कम्युनिकेट करेगा, सबको कम्युनिकेट। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करता रहता है कि मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम रिटर्न निकाल के दें, हमेशा इसकी कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये क्या है, ट्रस्टीशिप के एग्जांपल है ये सारे ट्रस्ट को। ये तो हम एग्जांपल म्यूचुअल फंड का ले रहे हैं, लेकिन सारे जितने भी ट्रस्ट हैं उनको सेम यही की प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। ये कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो सारे ट्रस्ट फॉलो करते हैं। जैसे कॉलेज है तो कॉलेज भी ट्रस्ट द्वारा मैनेज करा जा रहा है, और इससे जो भी अर्न होता है वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी में लगता है। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, एक ही कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाते हैं, अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द कंपनीज डाइवर्सिफाई करते हैं, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं, अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाते हैं। डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर होती है, स्टेटमेंट भेजे जाते हैं, उनके पास पूरी रिपोर्ट्स होती हैं, एक्सचेंज को रिपोर्ट सबमिट करते हैं, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस पहले लेके आते हैं जब न्यू फंड ऑफर आता है, सब ड्यू डिलीजेंस किया जाता है प्रॉपर तरीके से, कंप्लायंस फॉलो करी जाती है। ठीक है, जो भी उसने नियम कायदे कानून बनाए हैं सरकार ने, उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। जैसे कोई इंडेक्स है 100, टॉप 100 है, तो आपने लार्ज कैप फंड लॉन्च किया तो आप सिर्फ टॉप 100 कंपनियों में ही इन्वेस्ट करेंगे और एक कंपनी में 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सब क्या है, कंप्लायंस है। ठीक है, तो उसको फॉलो करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टीशिप्स क्या है, पहला द गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप इज क्लोजली रिलेटेड टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू गांधीयन कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप ऑल बिजनेस फॉर्म मस्ट वर्क लाइक अ ट्रस्ट। मतलब उनका कहना यह है कि जो ट्रस्ट है वो तो ट्रस्ट है ही है, वो तो काम कर ही रहे हैं उस हिसाब से। जैसे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, या कोई हॉस्पिटल ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है, या कोई कॉलेज ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है, या जैसे म्यूचुअल फंड के ट्रस्ट होते हैं। लेकिन उनका कहना है जो बाकी सारे कॉर्पोरेट्स हैं, जो बाकी सारी कंपनियां हैं, उनको भी ट्रस्ट की तरह ही काम करना है। ऑल असेट ऑफ द फर्म, पॉइंट नंबर टू, मस्ट बी हेल्ड बाई अ ट्रस्ट एंड मस्ट बी यूज फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यानी कि जितने भी असेट्स हैं, जितने भी संपत्ति है, जमीन, मशीन, कैश, सारा कुछ, असेट एंड लाइबिलिटी बोथ, वो सब कुछ ट्रस्ट के पास होती है। ट्रस्ट उसको सिर्फ मैनेज करता है, और किसके लिए मैनेज करता है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए। वो सोसाइटी का वेलफेयर करना चाहता है, यानी उसको सोसाइटी का वेलफेयर करना चाहिए, पर्सनल चीज़ों पे नहीं बहुत ज़्यादा बर्बाद करना है विजय माल्या की तरह, उसको समाज की सेवा में लगाना है रतन टाटा की तरह, या टाटा ग्रुप की तरह। खाली रतन टाटा ने नहीं, सिर्फ रतन टाटा का नाम ले रहे हैं तो भी ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि टाटा ग्रुप में सारे विजनरी लीडर थे, GRD टाटा, और मतलब जितने भी टाटा के जितने भी CEOs आए, MD आए, उन्होंने सबने बहुत अच्छा काम किया। इवन साइरस मिस्त्री ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और अभी चंद्रशेखरन साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। द फर्म मस्ट कीप अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट फॉर द ऑनरेबल लाइवलीहुड ऑफ इट्स ओनर्स। मतलब क्या कि जो पैसा वो कमा रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट वो अपने लिए रख सकते हैं, ताकि वो सम्मानजनक तरीके से अपनी जीविका को जी सके, जीवन जी सके, सम्मानजनक तरीके से, अच्छे तरीके से, प्रॉस्पेरिटी के साथ। ये नहीं कि वो खुद गरीबी में पड़ रहे हैं, अच्छे से कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, समाज की सेवा में लगे, नहीं, आप खुद भी अच्छे से रहना है और समाज का भी भला करना है। बार बार टाटा का ही एग्जाम्पल आ रहा है दिमाग में। वॉरेन बफेट भी यही काम करते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट वाला काम करते हैं। 75% वेल्थ उन्होंने अपनी ऑलरेडी चैरिटी कर दी है, वो भी यही करते हैं। और उन्होंने आज तक बहुत ज़्यादा घर नहीं खरीदे, जिस घर पे वो रहते थे उसी घर पे अभी भी रह रहे हैं। वो गाड़ी अपनी खुद ड्राइव करते हैं, ड्राइवर भी नहीं उन्होंने रखा हुआ है। बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियों का कोई शौक नहीं है कि जब ब्रिटेन भाग जाएंगे तो 200 गाड़ियां उनके बंगले से निकल रही हैं, उनका ऑक्शन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास एक ही गाड़ी होगी। ऑफिस, जिस ऑफिस में वो पहले बैठते थे आज से 50 साल पहले, उसी ऑफिस में अभी भी बैठ रहे हैं। तो यानी इस तरह से पैसे बर्बाद नहीं कर रहे, जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च करते हैं, हाँ, लेकिन लाइफ को एंजॉय वो करते हैं। ऑफिस में काम करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, उसके बाद घूमना फिरना, मैकडी जाना, आइसक्रीम सॉफ्टी खाना, ब्रिज खेलना, ये सब काम करते हैं, आउटिंग करना, लेकिन कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड
इक्विटेबल टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो बचा हुआ पैसा है उसको आपको सोसाइटी के सारे सेक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। अगला क्या है, आप जो जो पॉइंट्स आप चाहें नोट करते रहिए, जो आपके पास नहीं लिखे हैं आप नोट कर सकते हैं, पॉइंट्स नोट करिएगा। गांधीयन ट्रस्टीशिप एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, ट्रस्टीशिप ह्यूमन डिग्निटी को कैसे सपोर्ट करता है, तो गांधी जी ने क्या कहा है, गांधीयन ट्रस्टीशिप इज अ सोशल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय महात्मा गांधी दैट एम्फेसाइज द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अभी हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जितनी भी वेल्थ है एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसमैन अर्न कर रहे हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च करें। इट्स ग्राउंडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप वेयर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन होल्ड एंड मैनेज रिसोर्सेज नॉट अ पर्सनल प्रॉपर्टी, जितना भी पैसा वो कमा रहे हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, बट एज ट्रस्टीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी एट लार्ज, बल्कि जो उन्होंने जितने भी वेल्थ क्रिएट करी है, जो पैसे कमाए हैं, वो सोसाइटी के लिए वो ट्रस्ट की तरह मैनेज कर रहे हैं, उसके ट्रस्टी हैं, सम्मति के मालिक ना समझें अपने आप को। और ह्यूमन डिग्निटी से कैसे कनेक्ट है, तो पहला पॉइंट है इक्वलिटी एंड डिग्निटी, यानी कि सभी जो कॉरपोरेट ओनर्स हैं वो सबको समान रूप से ट्रीट करें, ठीक है, कोई उनकी नज़र में छोटा बड़ा अमीर गरीब ये कुछ नहीं होना चाहिए, सबको वो इक्वली ट्रीट करें। एम्पावरमेंट पार्टिसिपेशन, सभी को एम्पावर करना है, यानी कि जब आप जॉब देते हैं, जब आप सोसाइटी का वेलफेयर करते हैं, बहुत सारे लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, बहुत सारे लोग गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जब होती हैं तो यानी कि आप वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एम्पावर कर रहे हैं जो आपने वेल्थ क्रिएट करी है। उसके बाद रेलेवेंस ऑफ ट्रस्टीशिप इन मॉडर्न प्रिंसिपल, अब ट्रस्टीशिप क्यों रेलेवेंट है, तो पहली बात ये कि गवर्नमेंट खुद से CSR के लिए बोलती है, जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपको CSR करना है, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है, ये मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने टोटल बजट का, टोटल अर्निंग का, टोटल प्रॉफिट का एक सर्टन परसेंट, एक आध परसेंट जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में खर्च करती हैं, ये नियम बना दिया गया, जो बड़ी कंपनियाँ हैं जिनका टर्नओवर ज़्यादा होता है उनके लिए होता है। साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रही हैं कि गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपको कार्बन एमिशन कम करना है, कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने हैं, और इन चीज़ों पे ऊपर काम करना है जिससे प्लानेट का नुकसान कम से कम हो और लंबे समय तक चले। जैसे सबसे ज़्यादा नुकसान इन्वायरमेंट का होता है फॉसिल फ्यूल से, कोयले से, डीजल से, पेट्रोल से, केरोसिन से, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, EV के ऊपर काम कर रही है, हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर काम कर रही है, एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर काम कर रही है, नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके बारे में, और एलन मस्क बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो सोलर के ऊपर, EV के ऊपर, हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो सोलार सिटी, टेस्ला ये कंपनियां अपने, जैसे टाटा की EV, नेक्सॉन, टियागो, टिगोर, ये सब बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, और मेरे ख्याल से सक्सेसफुली इन्होंने अपनी गाड़ियां बना के और बेचना भी स्टार्ट कर दिया है, और जिनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, रेंज भी बहुत अच्छी दे रही हैं गाड़ियाँ, 300, 400, 500 किलोमीटर तक की रेंज की गाड़ियाँ आ रही हैं, एक बार चार्ज करने में 300 से लेके 500 किलोमीटर तक, कुछ गाड़ियाँ तो और हैं उससे भी ऊपर की रेंज दे रही हैं, ठीक है, मतलब एक बार आप चार्ज कर लीजिए आराम से चलेंगी काफ़ी लंबा। धीरे धीरे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, जैसे टाटा पावर क्या कर रहा है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है, टाटा मोटर्स गाड़ी बनाने के ऊपर काम कर रही है, टाटा एलेक्सी टाटा का सॉफ्टवेयर बना रही है, यानी इकोसिस्टम बना लिया है इन लोगों ने पूरा, टाटा केमिकल्स और एक टाटा की दूसरी कंपनी है, उन्होंने चाइना की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके उसकी बैटरी के ऊपर, सेल्स के ऊपर काम कर रही है, तो टाटा स्टील्स जो स्टील रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, तो इस तरह से पूरा इकोसिस्टम बना लिया है उन्होंने, तो उसका एडवांटेज उनको मिल रहा है। अब कुछ और कंपनियां भी आ रही हैं, हुंडई भी आ रही है, जैसे MG ने, महिंद्रा ने भी लॉन्च करी है XUV 400, वो अच्छी गाड़ी है, EV की गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है। सोशल जस्टिस अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सोशल जस्टिस में उन्होंने क्या कहा था, इक्वलिटी एंड इंक्लूसिविटी, यानी कि सबको समान मानिए। मैंने आपको बताया था कि हरिजन वर्ड भी उन्हीं ने दिया था, मतलब हरि के जन,
दूसरा किसी तरह का कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छुआछूत, कोई भेदभाव कुछ नहीं, सब इक्वल है और सब इंक्लूसिव है, सबको साथ लेना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। इरेडिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव कर रहा है तो उसको मिटाना है, ठीक है, पर्दा प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात, सबको ख़त्म करना है, सब साथ में चलेंगे तभी इंडिया का तरक्की हो सकती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप क्यों इम्पॉर्टेंट है? इकोनॉमिक इक्विटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि क्या क्या कह रहा है इसमें, इकोनॉमिक इक्विटी में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रस्टीशिप चैलेंज द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बाई प्रमोटिंग द आइडिया दैट दोज हु विद वेल्थ शुड कंसिडर देमसेल्व एज अ ट्रस्टी ऑफ सोशल सोसाइटी रिसोर्सेज रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इट्स एम टू ब्रिज द गैप बिटवीन द वेल्दी एंड द अंडर प्रिविलेज बाई द इनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। देखिए अभी कोविड के समय क्या हुआ था कि कोविड के पहले भी ये प्रॉब्लम थी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर बहुत ज़्यादा है अपने देश में, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा है। मैं आपको डेटा के लिए बताता हूँ पूरी दुनिया की क्या हाल है, इंडिया में तो बहुत ही बुरी स्थिति है दुनिया के कंपेरिजन में, लेकिन दुनिया का भी मैं डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। 80% वेल्थ 20% लोग होल्ड करते हैं, दुनिया की 80% संपत्ति 20% लोगों के पास है, और खतरनाक सुनो, दुनिया के टॉप 50 लोग दुनिया की 60% से ज़्यादा वेल्थ होल्ड करते हैं, सिर्फ 50 लोग। अब पूरी दुनिया में पॉपुलेशन कितनी है, नियर अबाउट 7.5 ट्रिलियन, 7.5 ट्रिलियन की पॉपुलेशन में सिर्फ 40-50 लोग दुनिया की मैक्सिमम वेल्थ होल्ड करते हैं, आप समझ लीजिए डिस्क्रिमिनेशन कितना है। और दुनिया के 30-40% लोग तो ऐसे हैं जिनको सुबह ये नहीं पता होता है कि रात में खाना खा के सोएंगे कि उनको भूखे पेट सोना होगा। अफ्रीका में, सहारा में, इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी है, लोगों के पास खाने और पहनने के लिए भी चीज़ें नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर बहुत ज़्यादा वाइड बढ़ता चला जा रहा है। अमीर क्या करता है, अमीर अपने पैसे को काम पे लगा देता है, खुद लाइफ एंजॉय करता है, और गरीब क्या करता है, पैसा कमाता है उससे वो लाइबिलिटी खरीद लेता है असेट समझ के, ठीक है। मिडिल क्लास जैसे थोड़ा सा पैसा कमाता है, क्या करेगा, कार खरीद लाएगा, फिर क्या करेगा, फिर फ्लैट खरीद लेगा। अब कार का ईएमआई जा रहा है, फ्लैट का ईएमआई जा रहा है, जो फ्लैट आपने 50 लाख का खरीदा आप पता है उसमें इंटरेस्ट कितना दोगे, 1 करोड़ का टोटल, आप उसको 1 करोड़ से ज़्यादा का पे करोगे और पे करते करते बूढ़े हो जाओगे। कार आपने खरीदी होगी 10-15 लाख की, वो बैठेगी आपको इंटरेस्ट, फ्यूल कास्ट, मेंटेनेंस, टैक्सेस मिला के 20-25 लाख की पड़ जाएगी। अगर आप ये सब गलतियाँ करेंगे, 25,000 रुपये महीने की सैलरी होगी और पता चलेगा 1 लाख रुपये का फ़ोन खरीद लाएगा। कंज्यूमरिज्म, एडवर्टीजमेंट, इसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, इम्पल्सिव बाइंग करते हैं, ज़्यादा खर्च कर देते हैं। वो गांधी जी ने इसीलिए क्या बताया था कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदनी नहीं है, जो भी चीज़ें आप क्या करिए, सेल्फ सस्टेनेबल सोसाइटी डेवलप करिए। जैसे मैंने आपको गांव का एग्जांपल दिया था कि गांव में लोग, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता था कि हम लोग को बचपन में 100 रुपये अगर मिल जाते थे तो 100 रुपये समझ नहीं आता खर्च कहाँ करें, वहाँ पर कुछ होता ही नहीं था खर्च करने के लिए, छोटी छोटी सी दुकानें होती होंगी उसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें मिलती थी और सारी की सारी चीज़ें वहाँ खुद ही होती थी। मैंने आपको बताया था कि लोग पेस्ट नहीं खरीदते थे, दातून का इस्तेमाल करते थे, मस्टर्ड ऑयल और सॉल्ट को मिला के पेस्ट बना लेते थे और बहुत तरीके से नहाने के लिए वहाँ पे खुद की मुल्तानी मिट्टी और सिकाकाई और एलोवेरा सब नेचुरल फॉर्म में होता है, हल्दी, चंदन, सब सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ वो रिसाइकिल करते थे। इन पॉलीथीन का बैग भी अगर कोई सामान से आता था उसको भी रख लेते थे ताकि इसको रीयूज़ करेंगे, ये मैंने देखा है, मतलब उनके घर से कचरा निकलता ही नहीं था और कचरा जो निकलता था गांव में उसको क्या करते थे, खाद बना दिया जाता था, कुछ भी वेस्ट नहीं होता था, कूड़ा भी वेस्ट नहीं हो रहा है, उसका भी खाद बना के वापस फसल में, खेतों में डाल दिया गया। गांधी जी क्या कह रहे हैं कि हम लोग को इस तरह की सोसाइटी बनानी है कि हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें, सेल्फ सस्टेनेबल सोसाइटी होनी, इकोनॉमिकल इक्विटी होनी, इकोनॉमिकल इक्विबरियम स्थापित करना है, मतलब डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, टीचर को, स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, सब लोग अगर अपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसके हिसाब से काम करें
तो इससे क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में उनको। क्रिटिसिज्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, पॉइंट्स आप लोग नोट करते रहिएगा। क्रिटिसिज्म का पहला क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर पढ़ाने के लिए से मैं पढ़ा रहा हूँ, अब जैसे मैंने क्या किया कि मैंने वेल्थ क्रिएट करी, बहुत मेहनत करा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है। मैं अपना ही एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने इसे कॉर्पोरेट स्टार्ट किया, कंपनी स्टार्ट करी, एंटरप्रेन्योरशिप किया, पैसे कमाए। अब पैसे कमाने के बाद बड़ी मुश्किल से, सालों के स्ट्रगल के बाद, कई पीढ़ियाँ बहुत गरीबी में थी मान लीजिए, तो अब वो मैंने वेल्थ क्रिएट करी से धीरूभाई अंबानी के साथ हुआ था, जीरो से स्टार्ट किया था उन्होंने, उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत करा, वेल्थ क्रिएट करा, उसके बाद गांधी जी कह रहे हैं कि ये वेल्थ आपकी नहीं है, ये समाज की है, सबको दान कर दो। तो ये कैसे कोई करेगा, ठीक है, ये बड़ा डिफिकल्ट है, इस बात को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है कि यार जो मैंने दसियों साल, क्योंकि सारे लोग तो मेहनत कर नहीं रहे, कुछ लोग क्या है कि जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं लेकिन सक्सेसफुल 5-10 हो पाते हैं, जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे, जो घर जाके पढ़ रहे होंगे, जो टीचर की बात ध्यान से सुन रहे होंगे, जो टीचर के पास अलग से जाके उनसे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, वो सक्सेसफुल होंगे। बाकी सब मजे करेंगे, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होंगे, टाइम वेस्ट करेंगे और वो मीडियोकर लाइफ जिएंगे। तो जो बहुत मेहनत करके बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करके, वो पार्टी में नहीं जाएगा, वो घूमने नहीं जाएगा शाम को, पढ़ाई करेगा, वो चैटिंग नहीं करेगा, वो सोशल मीडिया फास्टिंग करेगा, सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर देगा, पढ़ाई पे फोकस करेगा, ये सब कॉम्प्रोमाइज़ करके उसने तरक्की करी। अब आप उसके बाद जब उसने पैसे कमाए तो आप कह रहे हैं कि आपके पैसे नहीं है तो समाज के हैं, तो कहेगा भाई मैंने कमाए क्यों, देश से अच्छा तो वही लोग ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने उस समय बड़े मजे कर लिए। इसका सलूशन क्या है, इसका सलूशन है हमारा मतलब माइंड। एक्चुअली वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, जो लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज पे पहुंच जाते हैं, उनको ये समझ में आ चुका होता है कि मुझे जितनी जो कुछ हासिल करना था मैंने हासिल कर लिया, अब मुझे क्या करना है, सोसाइटी के लिए करना है। तो जब आपको ये स्टेज, आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं और आपको ये बात समझ में आ जाती है, तो फिर जब आप चैरिटी करते हैं तो आपको खराब नहीं लगता, अच्छा लगता है। यानी कि जब आप एक सक्षम हो जाएंगे और उसके बाद आप किसी गरीब की हेल्प करेंगे, किसी भूखे को खाना खिलाएंगे, किसी बहुत गरीब बच्चा जो कि स्कूल नहीं जा सकता, आप अगर उसकी फीस में कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको बुक्स ला के देंगे, तो आप देखिएगा दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी आपको तब मिलेगी, वो आप जब आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा। और ये नहीं कह रहा मैं, न गांधी जी कह रहे हैं कि आपको सब कुछ अपना दान कर देना है, आपको अपनी वेल्थ को कंट्रोल में रखना है, मैनेज करना है, उसको बढ़ाते रहना है। गांधी जी नहीं कह रहे कि सब कुछ दान करके तुम सन्यासी बन जाओ, नहीं, हम समझ नहीं पाए अगर आप ऐसा समझ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं आप अपने वेल्थ को और क्रिएट करिए और बढ़ाइए, जैसे जस्ट लाइक टाटा ग्रुप, टाटा एंड सन्स, अपनी वेल्थ को लगातार बढ़ाइए आप, लेकिन उसको माल्या की तरह बर्बाद मत करिए कि 500 लग्जरी कार खरीद ली, कैलेंडर छपवा दिए, मॉडल्स हायर कर ली, IPL करा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको टाटा ग्रुप की तरह करना है, लो प्रोफाइल रहना है, सोसाइटी का वेलफेयर करना है, वेल्थ क्रिएट करते रहना है, वेस्ट नहीं करना है अपनी वेल्थ को, उसको हमेशा अच्छे ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ करना है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, अभी हम लोग ने बात करी थी इनहेरेंट पावर इम्बैलेंस, तो मैंने जैसे आपको बताया कि दुनिया की मैक्सिमम वेल्थ बहुत कम लोग होल्ड करते हैं और शायद दुनिया के लेस देन 1% लोग, अब एक ही इंसान का एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे अगर आप जेफ बेजोस को ले लें, चाहे आप एलन मस्क को ले लें, या आप वॉरेन बफेट को ले लें, या आप चाहे तो अभी कुछ समय पहले जब वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट हो गए थे मुकेश भाई और वो गौतम अडानी, उस समय उनकी संपत्ति $100 बिलियन को क्रॉस कर गई थी, 116 समथिंग पहुंच गई थी। तो $100 बिलियन पता है कितना रकम होती है, $100 बिलियन देश में, अगर पूरी दुनिया में 200 देश हैं तो जो पीछे के 100 देश हैं ना, उनकी टोटल वेल्थ होगी मेरे ख्याल से 100-200 बिलियन डॉलर टोटल GDP। तो एक इंसान के पास 50-100 देशों के बराबर की संपत्ति, छोटे छोटे देशों को तो ऐसे ही खरीद ले वो, इतना ज्यादा डिस्पैरिटी है। तो ये क्या है, इम्बैलेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गांधी जी ने कहा ये गलत बात है। बाकी सारे 80% लोग तो क्या है, वो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं, वो स्ट्रगल करते रहते हैं, सफर करते रहते हैं, मर जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सोसाइटी में जो भी लोग हैं सबको
अच्छे से जीवन जीने का अधिकार है, मतलब उसको अच्छी शिक्षा मिले, हेल्थ केयर। देखिए गवर्नमेंट 4-5 चीज़ें फ्री देती है, क्या? पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, तीसरा अभी तो फूड सब्सिडी भी देना शुरू कर दिया है खाना, और चौथी चीज़ वो देने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें काफ़ी हद तक उन्होंने दिया भी है अंडर प्रिविलेज लोगों को, हाउसिंग फॉर ऑल, घर, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और घर, ये चार चीज़ें गवर्नमेंट चाहती है कि हम ही दे दें जो उनके पास नहीं है, तो अगर उनके पास नहीं है तो उनको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो और इवन यूरोप में जो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो क्या होता है, जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो आप रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद आप जब तक जिंदा रहेंगे आपका पूरा खर्चा पानी देश की सरकार देखती है, आपका स्वास्थ्य, आपका रहना खाना, वो सब सारे का सारा जो पैसा है वो, और जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती तब तक भी गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। तो ये चीज़ अभी इंडिया में होना मुश्किल है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इंडिया की नेशनल इनकम थोड़ी कम है, जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो हो पाएगा। अगले एक मिनट में ख़त्म करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ट्रस्टीशिप इन मॉडर्न बिजनेस, आप नोट करते रहिए। पहला CSR करती हैं कंपनियाँ मॉडर्न बिजनेस ने, एथिकल सप्लाई मैनेजमेंट, CSR के ऊपर हम लोग बहुत सारी बात कर चुके हैं, ठीक है, यानी कि जितनी भी बड़ी कॉरपोरेट्स हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अपना सर्टेन प्रॉफिट में कुछ परसेंटेज खर्च करती हैं। एथिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, होर्डिंग की वजह से, ब्लैक मार्केटिंग की वजह से कुछ कुछ चीज़ों के दाम बहुत आसमान पहुँच जाते हैं, लोग कालाबाजारी करने लगते हैं, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एथिकल होना चाहिए, आप होर्डिंग ना करें, जितने भी किसी को एक्सप्लॉइट ना करें, बेजा प्रॉफिट ना कमाएं, बिजनेस करें, जायज़ प्रॉफिट कमाएं, गांधी जी ने कहा है कि अननेसेसरी किसी को एक्सप्लॉइट ना करें, ठीक है। स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, मतलब जितने भी सारे स्टेक होल्डर हैं सबको एथिकल बिहेव करना चाहिए, सबको अच्छे से बिहेव करना चाहिए ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो, यानी कि अगर कोई मालिक है, प्रमोटर है, तो प्रमोटर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग ना कर रहा हो, कोई लेंडर है, बोरोवर्स है, लेंडर है, तो वो किसी ऐसे आदमी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज ना कर रहा हो, कि जैसे आपने वो गोदान वगैरह किताब पढ़ी होंगी कि उसमें वो समय के जमींदार, साहूकार, महाजन लोग जो हैं किसानों को बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है, उनके घर के सामान ले आते थे, गाय वाय बैल उनके छीन लाते थे, ज़मीन जब्त कर लेते थे, उनको पैसा नहीं देते थे, बहुत मार मार के काम कराते थे, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो सारे कॉरपोरेट में जितने भी स्टेक होल्डर हैं किसी भी कॉरपोरेट के, उनको सबको फेयर प्रैक्टिसेस करनी है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, गवर्नेंस जो आपका है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि किसको प्रमोशन दे रहे हैं, कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, किसको क्या बेनिफिट दे रहे हैं, वो सब मेरिट के बेस पे होना चाहिए, कोई नेपोटिज्म, कोई फेवरेटिज्म, कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। गांधी जी के 7 ग्रेटेस्ट सोशल सेंस, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा भी, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी, दोनों क्वेश्चन आते हैं पेपर में। क्या गांधी जी ने बताया, 7 सोशल सेंस क्या बताए? पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, यानी कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं और उसमें प्रिंसिपल्स नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार है। कैसा? करप्शन में ही फंसे हुए हमेशा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करप्शन करते हैं, तो जो करप्शन करा अप्रूव हो गया, उनको जेल हो गई। हर एक पार्टी में ऐसा होता है, बीजेपी में भी बहुत सारे आपको लीडर ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने करप्शन किया होगा, हर एक कांग्रेस में भी बहुत सारे करप्शन वाले मिल जाएंगे आपको, कोल स्कैम हुआ था, कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ था, पता नहीं कितने स्कैम हुए होंगे, हर एक पार्टी में इस तरह के करप्ट पॉलिटिशियन मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स बेकार है, सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए पॉलिटिक्स, जो ऐसा कर रहा है तभी समाज का भला होगा। वेल्थ विदाउट वर्क, अगर किसी को बैठे बिठाए संपत्ति मिल जाती है, काम वाम कुछ ना करना पड़े, तो उसका क्या हाल होता है? जैसे अनिल अंबानी ने किया, $50 बिलियन मिल गए, और उनकी आदत थी नहीं, मुकेश भाई शुरू से काम कर रहे थे, लगे हुए थे, शार्प माइंडेड थे, ऐसा नहीं हो सकता है अनिल अंबानी ने गलती भी करी हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बिजनेस में जिनको संपत्ति मिल जाती है लेकिन वो पूरी बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे राजा मिलेंगे जिन्होंने मेहनत से अपना टेरिटरी बनाई, राज्य एक्सपेंड किया, जैसे औरंगजेब के समय था, औरंगजेब के बाद के जो जितने भी मुगल शासक हुए पूरा चौपट कर दिया उन्होंने, मुगल सल्तनत जो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी ख़त्म हो गई। तो वेल्थ विदाउट वर्क, किसी को अगर फ्री में संपत्ति मिल जाती है तो वो उसको हजम नहीं होती है, मैनेज नहीं कर पाता है, बर्बाद कर देता है। बात मत करिए। आपको थर्ड पॉइंट, अगर आपको खुशी मिल रही है, प्लेजर मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको
सेंसिटिविटी नहीं है, आप उसके संवेदनशील नहीं है, प्लेजर विदाउट कॉन्शियसनेस, संवेदनशील नहीं है उसके प्रति, तो वो भी बेकार है आपको। मतलब आप जो खुशी होगी, पैसा होगा, उसको आप इंजॉय करेंगे, बट लेकिन दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं, दूसरे को मार रहे हो। और बहुत सारे लोग होते हैं जब उनके पावर आ जाती है, जब उनके पास खुशियाँ आ जाती हैं, जब उनके पास नौकर चाकर हो जाते हैं, तो बहुत मिसबिहेव करते हैं, बहुत ख़राब तरीके से ट्रीट करते हैं लोगों के साथ। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नॉलेज विदाउट करेक्टर, आपने एक अभी रील बहुत पॉपुलर हो रही है जिसमें ये कह रहा है कि अगर आपका पैसा खो गया तो आपका समझो कुछ नहीं खोया, उसका फिर से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने समय खो दिया तो आपका समझो कुछ लॉस हुआ है, क्योंकि टाइम रिकवर करना डिफ़िकल्ट है, ठीक है, एक बार निकल गया तो आएगा नहीं। लेकिन अगर आपने कैरेक्टर खो दिया अपना तो सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर कुछ नहीं है। तो कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिसके पास नॉलेज है बट कैरेक्टर नहीं है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप पैसा एक बार बर्बाद कर सकते हैं तो समझो कुछ भी नहीं है, वो आप कमा लेंगे। समय बर्बाद हुआ तो कुछ बर्बाद हुआ, आपका नुकसान हुआ। लेकिन अगर आपका करेक्टर चला गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर आप कुछ रिकवर नहीं कर पाएंगे, खेल ख़त्म। कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, यानी आप व्यापार कर रहे हैं लेकिन मॉरल नहीं है, लोगों को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम है। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, जैसे ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया लेकिन अमेरिका ने उसको उठा के जापान के ऊपर चला दिया, हिरोशिमा नागासाकी में लाखों लोग मर गए। तो यानी साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सब न्यूक्लियर एनर्जी बनाई थी ताकि उससे पावर जनरेट कर सकें। डायनामाइट जो अल्फ्रेड नोबल ने बनाया था, उन्होंने भी बहुत कुछ के लिए बनाया था, पहाड़ तोड़ने के लिए, माइंस बनाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए, लेकिन लोगों ने उसके बॉम्ब बना के लोगों को मारा। तो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, यानी कि आपने कोई प्रयोग करे हैं, कोई आपने आविष्कार किए लेकिन उसका आप लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो बहुत ही बेकार है वो साइंस, बिल्कुल बेकार है। तो ऐसी साइंस का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें ह्यूमैनिटी नहीं है। और वर्क विदाउट सेक्रीफाइस, आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, आप अगर किसी चीज़ से आप सेक्रीफाइस नहीं कर, मतलब आप अगर आगे तरक्की करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी बैड एक्टिविटीज़ से, समय बर्बाद करने से, फालतू के दोस्तों से, फालतू की चीज़ों से, फालतू की चैटिंग से, इन सब सोशल मीडिया से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब आप तरक्की कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच। आर नेक्स्ट टॉपिक